एक्टर विद्युत जामवाल ने एक्सपोज किया फिल्म क्रिटिक का काला सच। विद्युत जामवाल ने बड़े फिल्म क्रिटिक पर लगाया रिश्वत लेकर रेटिंग देने का आरोप। विद्युत के एक पोस्ट से मचा बॉलीवुड में तहलका। चलिए आपको बताते हैं कौन है वो फिल्म क्रिटिक जिस पर विद्युत ने लगाया रिश्वत लेने जैसा बड़ा और गंभीर आरोप। हेलो नमस्कार, टीवी 9 दिल्ली एनसीआर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिज्ञा कश्यप। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल इन दिनों अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म क्रैक को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। इस फिल्म में विद्युत के साथ अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन हैं। विद्युत की ये फिल्म 23 फरवरी को थिएटर में रिलीज हुई, लेकिन इसी बीच विद्युत जामवाल ने जाने माने फिल्म क्रिटिक सुमित कादेल पर बड़ा आरोप लगा दिया है। विद्युत ने फिल्म क्रिटिक पर पैसे लेकर फिल्म को रेटिंग देने का इल्जाम लगाया है। विद्युत ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, रिश्वत मांगना क्राइम है और देना भी क्राइम है, मेरा जोर में रिश्वत नहीं देना है। सुमित कादेल, इसलिए जब भी आप किसी की तारीफ करते हैं हम अपराधी को जानते हैं। विद्युत ने इस पोस्ट के साथ एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसे देखकर यह समझा जा सकता है कि फिल्म क्रिटिक सुमित कादेल ने विद्युत को एक्स हैंडल पर ब्लॉक कर दिया है। विद्युत जामवाल की इस पोस्ट पर उनके फैंस कमेंट में सुमित कादेल को भला बुरा कह रहे हैं। लोग उन्हें समोसा क्रिटिक, पेड रिव्यूअर और पेड क्रिटिक बुला रहे हैं। कई यूजर ने विद्युत की तारीफ की कि उन्होंने किसी फिल्म क्रिटिक के बारे में खुलकर बात की है और उन्हें एक्सपोज कर दिया है। विद्युत जामवाल के इस आरोप पर फिल्म क्रिटिक सुमित कादेल ने एक क्रिप्टिक पोस्ट के जरिए विद्युत को जवाब दिया है। सुमित ने अपने पोस्ट में ये लिखा, जब लोकप्रियता अहंकार में बदल जाए तो पतन होने लगता है। भाई भतीजावाद के टैग के बावजूद खानदानी सितारे अक्सर विनम्रता दिखाते हैं। आज एक तथाकथित बाहरी व्यक्ति से सामना हुआ जिसने अभद्र व्यवहार किया, जाहिर है इसलिए बड़ी हस्तियां उनके साथ काम करने से बचती हैं। लेकिन जब जो फैंस हैं उन्होंने उनसे पूछा कि क्या सुमित विद्युत जामवाल के बारे में बात कर रहे हैं, तो सुमित ने जवाब में लिखा, दोस्तों मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये किसी सुपरस्टार या इस पीढ़ी के सितारों के लिए नहीं है। ये पोस्ट किसी और के लिए है जो स्टार नहीं है लेकिन खुद को ब्रूस ली और जैकी चैन समझता है। मैं इंडस्ट्री के लगभग हर लीड एक्टर से मिल चुका हूं और सब के सब बहुत प्यारे हैं, सिर्फ यही एक पागल है जिससे मेरी मुलाकात हुई। इंडस्ट्री के लोग समझ जाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट सेक्शन में किसी को भी नीचा ना दिखाएं। लोगों का मानना है कि सुमित कादेल ने बिना नाम लिए इशारों ही इशारों में विद्युत जामवाल पर निशाना साधा है। आपको बताएं कि मल्टी स्टारर फिल्म होने के बावजूद क्रैक दर्शकों के लिए तरस रही है। फिल्म का कलेक्शन अच्छा नहीं जा रहा है। इसी के साथ रिलीज हुई यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 अच्छा कलेक्शन कर रही है। लेकिन इन सब के बीच विद्युत के इस पोस्ट ने सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड तक में तहलका मचा दिया है। जो विद्युत जामवाल के फैंस हैं वो लगातार सुमित कादेल को ट्रोल कर रहे हैं और कई भली बुरी बातें उनके बारे में कह रहे हैं। और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि जो स्टार किड्स हैं वो आपको इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो पैसे दे देते हैं, रिश्वत दे देते हैं। हालांकि विद्युत ने रिश्वत देने से मना कर दिया है और इसी को लेकर जो विद्युत के फैंस हैं वो सुमित कादेल को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। अब विद्युत जामवाल के इस पोस्ट पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।